कैसा करीम है। आए, आए, आए। आए। बाल है, बाल। हमारे लिए ईमान वालों, लेकिन ईमान की हकीकत अगर समझ जाओ, मोमिन गरीब नहीं होता और मोमिन जलील भी नहीं होता। इसलिए किसी मोमिन को कितना ही गुनहगार हो पत नसीब नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि जिसके नसीब में ईमान आ जाए, ईमान से बढ़कर दौलत नहीं और ईमान से बढ़कर इज्जत नहीं, तो ये आपकी बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन इतना और समझ लो, ईमान उलमा से पूछिए, असल बहुत शॉर्ट में यकीन। इस्तेलाह शरीयत में तो जो नबी लेकर आए उसको दिल से मान लेने का नाम ईमान, बिल्कुल शॉर्ट में समझो यकीन। अगर शक है तो अरे बोलो भाई नहीं, ईमान नहीं, तो आप कलमा पढ़े पहले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है या थे है। मैं ये समझता हूँ जब कलमा पढ़ लिया फिर झगड़ा बस है या है, हाजिर भी है, नाजिर भी है, मौजूद भी है, बस है, फिर ये झगड़ा क्या बात है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है थे नहीं, कोई ईमान ताजा करो थोड़ा सा। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, जुबान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा आगे चले थोड़ा सा, मौलाना कहीं कोई सबूत है कि आज मोमिनों के साथ भी है? तो मैं कहता हूं हदीस ने कुरान सुना, अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिही, कसम खुदा की तिबयान लिकुल शय, कुरान हर चीज का रोशन बयान है। असल में आज हमारी वजह से लोग आलिमों को समझते, यही गलती हो गई, हमें कुछ है नहीं आता और हमारी वजह से उलमा को आका जाए, आलिम क्या होता है जो कुरान का आलिम हो जाए, तो तिबयान लिकुल शय, कुरान तो हर चीज का रोशन बयान है। अभी मौलाना ने बयान किया कि असाबे कहफ ठहरे गार में, कितने साल ठहरे थे? 309 साल। नहीं, असल में कुरान का अंदाजा अलग, 300 साल और आगे बयान के बस दाद तीस और नौ ज्यादा कर दो और नौ नहीं। तो किसी ने एतराज किया कि इतना भी यकीन नहीं है कि 300 साल थे 309 साल। तो सैयदना मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने जवाब दिया, नादान ये कुरान की बोली है जो बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत बड़े जुमले अदा कर दिए। जब किसी ने कहा ना तुमके तो हर चीज का रोशन बयान कुरान में है, तो मोटरसाइकिल रेल जहाज का बयान बताओ ना कुरान में कहा। तो हमारे बुजुर्ग ने कहा कमीने तू जितना पता नहीं है, आका के जमाने में जितनी सवारियां थी उन सवारियों के नाम मौजूद हैं, ये खच्चर गधा घोड़ा ऊंट ये तेरी सवारी के लिए होंगे, और अब सुन सिर्फ उस वक्त के नहीं अब कयामत तक की जितनी सवारियां हैं उनका भी जवाब दे दिया उसी। क्या जवाब दिया? वो यखलुक मा ला तअलमून, ये तुम्हारी सवारियां हैं और अल्लाह वो सवारियां पैदा करेगा जिन्हें तुम नहीं जानते। उस जमाने में वो नहीं जानते थे, आज बहुत सी सवारी जो कल आएंगी उन्हें आप नहीं जानते। कुरान आज भी कह रहा है वो यखलुक मा ला तअलमून, अल्लाह वो सवारियां पैदा फरमाएंगे जिन्हें तुम नहीं जानते।
क्या बात है, कुरान का बयान हर चीज का रोशन बयान है। ये बात कुरान की अजमत पे आ गई है तो वहां रोक दूंगा थोड़ी देर, इधर और देख लो थोड़ा सा। आज लोग कहते हैं औरतें भी मर्दों के बराबर हैं, हर महकमे में, फौज में, पुलिस में, जहां चाहे इन्हें बराबर में लगा सकते हैं, उनका तेरी मर्जी। लेकिन कुरान ने तो कहा अर-रिजालु क़वामून अला निसा, सरदारी तो मर्दों के लिए। सरदारी किसके लिए है, इसे हम नहीं तस्लीम करें। कहा नहीं, असल में ऐसा हुआ है ये औरतों को ना हमने मजबूर कर दिया है, इसलिए कमजोर रह गई। अगर इन्हें भी मैदान में उतारते तो मैं कहता हूं नादान थोड़ी देर पीछे हट, औरत को तुमने मजबूर किया, माँ एक है, गाय भी उसकी होना, बैल भी उसकी होना, क्या बात है, दोनों उसी की है ना। तो बैल तू इतना लंबा और गाय इतनी छोटी, और तू ही बता गाय से किसने कहा तू छोटी रह जाए। एक ही मुर्गी, दो अंडे दिए, एक से मुर्गा निकले, एक से मुर्गी निकले, मुर्गी 2 किलो की, मुर्गा 4 किलो का, अब इससे किसने कहा तू छोटी हो जा। सुभान अल्लाह, और उसको तो हमने मजबूर किया। लेकिन और आगे चल, 10 मुर्गी है, एक मुर्गा है, 10 मुर्गियों को कहो जरा हुकूमत करके बता मुर्गा पे। नहीं समझ में आई मेरी बात। सुभान अल्लाह, लेकिन एक मुर्गा हुकूमत करेगा कि नहीं करेगा। वजह क्या है, मेहर औरत तुम्हें देती, तुम औरत को देते हो जी। अच्छा, उसकी कमाई की जिम्मेदारी किसकी है, तो औरत की कमाई खाना जायज है क्या। एक मुर्गा यूं ही हुकूमत नहीं करता, पहले जब दाना मिल जाता ना, आवाज लगाता तो मुर्गी दौड़ के आती। अरे मुर्गे की जिंदगी से सबक लेते, ये कमा के खिलाना सिखाओ, औरत की कमाई मत खाओ, उसके जहर के लालची मत करो, क्योंकि तुम खुद ही झूठे हो। इमाम के सामने कहते हो अलावा नान और नफ्ता, नान रोटी को कहते पकी पकाई रोटी तुम्हारी जिम्मेदारी है देना, ये तो उसकी मेहरबानी है जो पका देती है। अलावा नान और नफ्ता, तो शादी के बाद बीमार हो तो इलाज आपको कराना है, मरेगी तो कफन आपकी जिम्मेदारी है। अब कितने कमीने हैं वो लोग जो बीमार हो जाए तो बाप के घर डाल दे, जिम्मेदारी समझो। ये जहेज की लानत ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि एक मामला आया कि लड़का और लड़की का खतरा, कि ये मेरा लड़का, मेरी लड़की को इसने लड़की छोड़ दी एक ही घर में, अब गवाह कोई नहीं। आखिर मौलाए कायनात के पास ये मसला गया, आपने फरमाया दोनों अपना एक छोटा सा ढक्कन उसमें दूध ले आओ। जब दूध लेकर आए तो लड़का किसका, लड़की किसकी, मौलाने ने फरमाया इसका लड़का दे दे। उस औरत ने बगैर चुन चुरा के लड़का दे दिया, इनकार नहीं किया। लोगों ने पूछा हुजूर ये मसला कहां से, कहा कुरान से। ये मसला भी कहां से, कुरान से। कि हुजूर किसका, हां क्यों, कि एक आदमी ने एक लड़का छोड़ा, एक लड़की छोड़ी, वो 3 रुपये छोड़े। अब मौलाना से पूछो बंटवारा कैसे हो, कि लड़के के लिए 2 रुपया, लड़की के लिए 1 रुपया। जैसे मीरास में लड़की आधे की हिस्सेदार है, लड़के लड़का को दुगना मिलेगा उस लड़की का, तो 1/3। तो इसी तरह जब लड़की होती है तो माँ के दूध में वही फर्क होता है। लड़के का दूध जो है गाढ़ी होगा, बदनी होगा, ताकतवर होगा, लड़की का दूध हल्का होगा। वाह क्या बात, तो तिबियान लिकुल्ली, हर चीज का रोशन। कुरान को कुरान समझकर पढ़िए, माबूद का फरमान समझकर पढ़िए, हर मसला जीज़ तहल है इसमें, कुरान को कुरान समझकर पढ़िए। लेकिन गुलों में पाओगे खुशबू कहां से बाग बगैर, समझने बैठे हो कुरान को दिमाग बगैर, बगैर इश्के ना भी और तिलावत है कुरान, कहां से लाओगे तुम रोशनी चिराग बगैर। कुरान और साहिब कुरान, ये बताओ दुनिया में कुरान पहले आया है कि साहिब कुरान पहले आया है।
अरे बोलो भाई साहिब कुरान। अच्छा ये बताओ तुम लोग, आप ये किताब पढ़ने लाए लगे तो पहले चिराग जलाओगे कि किताब खोल के बैठोगे? चिराग जलाओगे, और बीच में बुझ जाए तो कोई हर्ज नहीं, फिर जलाएंगे। यानी चिराग पहले जले और बात तक रहे तभी तो किताब पढ़ी जाएगी ना। सुभान अल्लाह। तो किताब के लिए चिराग का पहले होना जरूरी है और बात तक होना। तो हमने पूछा है कुरान क्यों बता? सुभान अल्लाह। पहले तेरा वजूद है या मुस्तफा का? सुभान अल्लाह। तो कुरान क्या कहता है जरा पूछ तो सही। कद जाकुम मिन अल्लाह नूर व किताब मुबीन। तहकीक के अल्लाह की तरफ से आ गया तुम्हारे पास पहले नूर फिर रोशन किताब। तभी तो कहा जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। असर बाकी न रखी बजमे इनका जगमगाने में अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। और एक अरब ने आदमी का बोल वाला कर दिया खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अच्छा तो पता चला रोशनी पहले बात तक। तो कुरान आज है या नहीं है? तो कुरान के लिए जो नूर बन के आए वो नहीं है? इतना बेवकूफी है तो कुरान कह रहा है। असल में कुछ बात ऐसी होती है कसम खुदा की कुरान का एक एक हर्फ उसमें राज है। एक एक हर्फ में राज है। और वो नहीं आका ने फरमाया कि रब ने के महबूब हमने तेरे लिए तेरे सहाबा भी चुन लिए। सुभान अल्लाह। तेरे खलीफा भी चुन लिए। अब ये बताओ वो चुन लिए माँ बाप नहीं चुने? वाह। अरे खलीफा चुन लिए माँ बाप नहीं चुने? क्या कहने वाह क्या नुक्ता है बहुत। ये कमीने हैं इनको होश नहीं है बोल क्या रहे नबी के माँ बाप के ईमान में सुभान अल्लाह। लेकिन मैं कहता हूँ और कर लो थोड़ा सा। जब मेरे आका आए तो बैतुल्लाह में कितने बुत थे और मुतवली कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब। अगर उनसे मुतासिर होते तो पोते का नाम क्या रखते? लात से नहीं उज्जा से नहीं मनात से नहीं। उस वक्त दादा का नाम रखना बता रहा है कि पोते बेटा ही नहीं बाप का भी ईमान। नाम रखा अब्दुल्ला। उस फितने के दौर में उस अंधेरे दौर में जबकि कुरान तो अलग है कि महबूब हमने तुझे सजदे वालों से सजदे वालियों में मुंतकिल किया। वो तफसीर में नहीं जाता लेकिन मैं तो ये खुली बात जो सबकी समझ में आ जाए। तो दादा ने नाम रखा लेकिन मेरा ईमान कह रहा चुना हुआ मामला है। ये तो बाप ने नाम रख दिया लेकिन बाप का नाम क्या आपके बाप के नाम हजरत अब्दुल्ला जहन में रखना मेरी। अच्छा आप सब्जी लाते ना भैया तो किसी अटेची में बंद कर लाते हो या थैले में लाते हो? थैले में। और जब हीरे जवाहरात और कंगन बेटी के लिए बीवी के लिए हार वो भी जो है थैले में लाओगे क्या? बढ़िया बेहतरीन। तो जितना कीमती सामान होता है उसका जब इतना कीमती होता है। ओ मेरे भाई जरा गौर कर रब की कुदरत में नबी से बढ़कर कीमती कोई चीज तो बता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मोहब्बत रसूल अजमत मुस्तफा नारे तकबीर नबी से बढ़कर कीमती कोई शय नहीं है जिनके लिए कायनात का वजूद हुआ। असले कायनात वजह कायनात और वो जब आए तो उनका जर्फ कितना कीमती होगा।
इसलिए माँ भी चुनी हुई थी, इसलिए नाम किसी ने भी रखा। तो क्या है आपकी वालदा का नाम? हजरत यवलना बैठे हैं, बड़े मुझसे अच्छे अच्छे काबिल, लेकिन पूछ लेना कसम खुदा की आमना का इस्तेकार दो ही निकलते हैं, ईमान या अमल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इससे मुश्ताक हो गया ना, ईमान या अमन से लो तो भी मकसद वही है, और ईमान से लो। और यही नहीं, मेरा ईमान कहता है उनके हर लफ्ज में भी राज है। सुभान अल्लाह, हजरत आमना के नाम में कितने हर्फ हैं? तीन। कौन कौन से? अलीफ, फिर मीम, फिर नून, फिर हा। बेसबब नहीं है। सवाल चार हुए, आमना कहां से आया है, आमना कौन आया है, आमना क्या बनकर आया है, आमना क्यों आया है, तो ये आप नहीं जानते, मेरे मेजबान है तो उनसे पूछोगे। तो कहा मेरा नाम देख लो ना, कहां से आए? आमना का लीफ करा अल्लाह के पास से आए। आमना कौन आया? तो दूसरे नंबर पर सवाल है तो मीम देख ले, मोहम्मद रसूल आए। तीसरा सवाल था क्यों क्या बनकर आए, तो आमना का नूर, नून कह रहा नूर बनकर। आमना क्यों आए? तो चौथा लफ्ज कह रहा हिदायत देने वाले। हाँ पहले नहीं है, इसलिए रोशनी होगी तो हिदायत होगी। टॉर्च पहले चलती है तब रास्ता मिलता है। कहा ये तो तुम्हारी तुक है। मैं कहता नादान, यही तो जवाब कुरान का भी है। तब जाकुम मिन अल्लाही नूरन व किताब मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूल आए, नूर बनकर आए हिदायत देने के लिए।